इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सी इजी सी स्टोरी के बारे में जिसका नाम है ट्रेन फॉर मरोडिशा ट्रेन फॉर मरोडिशा एक शॉर्ट स्टोरी है जिसकी राइटर है नडीन गोडेमर नडीन गोडेमर जो थी वो वाइट राइटर थी लेकिन उनकी ये स्पेशलिटी थी कि वो ब्लैक जो थे उनके लिए काफ़ी सिंपथाइज फील करती थी और उनको सपोर्ट भी करती थी ऐसा नहीं कि मतलब यूजली ये था कि वाइट जो थे वो ब्लैक के स्पोर्ट में नहीं थे इवन वो अपने आप को सुपीरियर और उनको इन्फीरियर कंसिडर करते थे बट नडीन कॉडेमर वॉज डिफरेंट फ्राम दैम और यही उनकी जो कंसेप्ट है वो आपको स्टोरी में भी नजर आएगा कि इसमें जो करेक्टर है वो लड़की वाइट है लेकिन वो सिंपथाइज फील करती है ब्लैक के लिए तो इसमें राइटर की अपनी जो है रिफ्लेक्शन नज़र आएगी आपको इसके अलावा जो स्टोरी है उसमें डिफरेंट थीम्स हैं आपको इसमें रेसिसिज्म का थीम मिलेगा आपको कॉलोनियलिज्म का थीम मिलेगा आपको इनजस्टिस का थीम मिलेगा कि किस तरह डिस्क्रिमिनेट किया जाता था वाइट को ब्लैक से और काफ़ी हाथ तक आप उनके लिए सिंपथाइज भी फील करेंगे तो बड़ी मज़े की स्टोरी है चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की स्टोरी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोरी का जो टाइटल है वो क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है अ फ्रॉम रोडेशिया यानी कि स्टोरी का टाइटल जो है वो ही काफ़ी हद तक आपको बता रहा है कि ये स्टोरी किस तरह से होगी अब ये जो है ना रोडेशिया वो बेसिकली स्टेट uh, थी और uh, इस पर जो है वो uh, है तो ये ब्लैक्स uh, की स्टेट थी लेकिन इस पर कब्जा कर लिया वाइट ने उन्होंने इन पे रूल uh, करना शुरू कर दिया और वहाँ पे जो ब्लैक थे उनको ही इन्फीरियर uh, और उनको ही अपना ग़ुलाम बना लिया और इस स्टेट का नाम है जिम्बावे पहले इसका नाम रोडेशिया था तो भी होल uh, स्टोरी जो है वो बेसिकली बताया जा रहा है कि एक ट्रेन जो है वो रोडेशिया से होती हुई आ रही है और उस ट्रेन में सारी स्टोरी चल रही है इन थ्रू आउट द स्टोरी आप वो ट्रेन में देखेंगे लेकिन इर्द गिर्द सारा आपको ट्रेन के इर्द गिर्द जो बैकग्राउंड सिचुएशन uh, चल रही है जो uh, मंज़र आ रहे हैं वो सारे भी आपको दिखाए जा रहे हैं तो ट्रेन जो है उसमें आ, सारे वाइट पीपल जो हैं वो हैं और ट्रेन के बाहर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे जो ब्लैक हैं साउथ अफ्रीकन आपको नज़र आएंगे तो ये ट्रेन जो है वो स्माल रूरल स्टेशन से यानी साउथ अफ्रीका के स्टेशन से गुजर रही है जिसके इर्द गिर्द सारा स्टेशन जो है इम्पॉवरिश्ड है यानी कि लोग जो हैं बड़ी आ, मतलब टफ लाइफ जो है वो अपनी रहे हैं इसके अलावा आपको जो ब्लैक की कंडीशन दिखाई होगी वो बच्चे जो हैं उनके बेयर फूट उनके लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं बड हर्ट्स इसके अलावा गार्डन इन विच नथिंग न्यू सॉरी इन गार्डन इन विच नथिंग ग्रू कुछ भी यानी इस तरह की उनकी सिचुएशन दी हुई है कि वाइड जो है उनके बच्चे जो थे नंगे पाँव थे उनके पास कुछ खाने को नहीं थी इतनी मतलब लो कम्युनिटी दिखाई हुई है कि आप देखेंगे कि किस तरह से वो लोग जो हैं एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं और किस तरह से उनकी लाइफ जो है इतनी टफ़ और मिजरेबल लाइफ है बट ऑन द अदर हैंड जितने भी लोग ट्रेन के अंदर हैं जो वाइड पीपल हैं वो वेल ड्रेस हैं और बड़े आयाश किस्म के दर खाए हुए हैं कि वो ड्रंक हैं इसके अलावा मतलब अपनी ही लाइफ में म्यूज़िक चल रहा है और मस्त है और जो बाहर के लोग हैं वो एक मिजरेबल और अ, मतलब इतनी अ, मुश्किलों से भरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह वो छोट छोट चीज़ों के लिए तरस रहे हैं और जबकि अंदर जो है वाइट जो है वो अपनी ही अयाशी में मुबतला है तो उन्हीं जो वाइट लोग हैं उनके दरमियान ही एक कपल भी है जिसमें जो लड़की है एक और जो लड़की है वो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि उसका करेक्टर जो है वो समर का करेक्टर जैसा है कि मतलब वो जो है बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेंट है कि इर्द गिर्द की चीज़ों को हर हर पर्सन को फील कर रही है बहुत उनकी इमोशंस को फील कर रही है कि वो लोग इस टाइम क्या सोच रहे हैं और अपने आप को वो समझते हैं कि आई एम नॉट लाइक द वाइट्स कि मैं इनसे हटके हूँ क्योंकि वो लोग जो हैं उनके दिल में ब्लैक्स के लिए इवन वन परसेंट भी सिंपत्ति नहीं है वो उनको इतना मिसट्रीट करते हैं इवन आप उसके हस्बैंड के एक्शन से देखेंगे कि कैसे उस लड़की का हस्बैंड जो है वो एक ब्लैक और ट्रीट करता है तो लड़की जो है ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा सिंपथाइज़ फ़ील कर रही है उनके लिए एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही है बड़ी कीन ऑब्जर्वर दिखाई हुई है ये कि अपनी इर्द गिर्द चीज़ों को हर हर एक्शन को हर पर्सन को उसके चेहरे को इवन उसके एक्सप्रेशन को नोट कर रही है तो जी आ, अब वो लोग चल रहे हैं ट्रेन ऐसे ही गुजर रही है और इर्द गिर्द के मनाजर भी दिखा रही है कि किस तरह से लोग जो हैं वो इतनी इस किस्म की लाइफ जो है वो गुजार रहे हैं अब यहाँ पे ना मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है ट्रैवल वाइफ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैनल है जिस जिसपे आपको डिफरेंट किस्म की वीडियोस मिलेंगी वर्ल्ड से रिलेटेड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड ब्यूटीफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड मोस्ट हॉरर जो प्लेसेस हैं वो आप देख सकते हैं बड़ा यूनिक सा और डिफरेंट सा कॉन्टेंट है आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि ऐसा होता है कि समटाइम हम स्टडी से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं फ्रेडअप फील करते हैं तो हम हम क्या करते हैं हम कहीं बाहर चले जाते हैं आउटिंग्स पे चले जाते हैं या कुछ ना कुछ अपने जो हैं वो तरीके निकालते हैं अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए तो ये चैनल जो है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए क्योंकि आप डिफरेंट प्लेसेस जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपका जो है माइंड जो है वो भी काफ़ी ब्रॉड होगा चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे नहीं नहीं काफ़ी आपकी जो नॉलेज है वो इन्हेंस होगी तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा मैं एंड स्क्रीन पे भी कुछ उसकी वीडियोस डाल दूँगी तो आई होप कि आप ज़रूर इसको देखेंगे और मज़े का एक्सपीरियंस होगा आपका और मुझे भी आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो अब ट्रेन जो है वो स्टेशन पे आगे रुकी है जो कि ब्लैक्स का स्टेशन है और वहाँ पे वो जो यंग वीमेन है वो विंडो में से देख रही है और देखती है कि एक आदमी जो है ओल्ड अफ्रीकन बूढ़ा आदमी जो है वो कुछ सेल करने के लिए आया है और उसके हाथ में क्या है कार्ड लाइन लाएं। लाइंस के आपने देखे होंगे गूगल पे एक दफ़ा सर्च कीजिएगा कि आपको मिल जाएंगे तो इस तरह का उसके पास लाइन होता है और वो सेल करने के लिए आता है अब आ, और भी बहुत सी आइटम्स होती हैं जो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं यानी जो अफ्रीकन्स हैं ब्लैक्स हैं वो अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं इवन छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए बेचारे एफर्ट कर रहे हैं और वो सारी चीज़ों को देख रही होती है अब विमेन जो है वो मतलब उसको पकड़ती है कार लाइन को और उससे ना उसकी प्राइस पूछती है और वो आदमी उसको बताता है प्राइस बताता है तो वो ना तो वो उसको पकड़ के रख देती है अब हस्बैंड जो है वो जब देखता है तो वो समझता है कि मेरी वाइफ़ को ये इसका ना प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी है तो वो ना बार्गनिंग करता है बार्गेनिंग मीन्स कि जो ओल्ड मैन ने प्राइस बताई है उससे बहुत ज़्यादा लो प्राइस उसे बताता है तो विमेन जो है वाइफ जो, जो आ, उसकी जो वाइफ है वो उसको रोकती है कि मतलब इस तरह ना घरों में नहीं लेना चाह रही अब वहाँ पर तो उसने छोड़ दिया बट उसे वो चीज़ मतलब अपने हस्बैंड में अच्छी नहीं लगती कि मतलब उसे इस तरह से एक इंसान का हक़ नहीं मारना चाहिए कि उसको इतनी लो प्राइस नहीं देनी चाहिए इवन वो भी पर्सन है उसकी भी लाइफ है वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ उसके बीवी बच्चे होंगे कुछ ना कुछ अपने लिए एफर्ट रहा है तो उसके बाद तो वहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड उठ के जाता है और वो ट्रेन के दरवाज़े से जाके उस पर्सन को बुलाता है और उसे कहता है कि ना मतलब ये प्राइस तुम कितने में दोगे और कहते हैं वन एंड सिक्स यानी मैं इतनी ही प्राइस जो है इतने में ही तुम्हें सेल करूँगा इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं पे करने वाला और उसको जो है इवन पेमेंट जो है आप देखेंगे कि वो जब ट्रेन जो है वो चलने लग जाती है और वो वहाँ पर डोर पे खड़ा हुआ है और वो पान उसके जो पैसे हैं उसकी जो पेमेंट है वो हवा में उछालता है और वो बूढ़ा आदमी जो है वो गिर के और उन पैसों को पकड़ा होता है ज़मीन से तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमैनिटी जो है उसकी इतनी इंसल्ट की जा रही है यानी एक पर्सन को कितना लो फील करवाया जा रहा है कि आप इवन आपने कोई चीज़ उसे सेल की है तो आप उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते कि उसके हाथ में वो पैसे पकड़ा दो और हाथ में उसको हवा में उछालता है उन पैसों को और इवन हंसता है कि मैं यानी ये किस तरह कितना भूखा है ये पैसे के लिए कैसे भाग रहा है और वो आदमी जो है वो ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहा होता है उन पैसों को पकड़ने के लिए एक क्या किया एक तो उसने प्राइस उसको कम दी उसकी जितनी पेमेंट बनती थी उसको नहीं दी दूसरा ये कि उसको पेमेंट जिस तरीके से दी उसको इतना लो और डिसरिस्पेक्ट फील करवाया तो यही यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या कंसेप्ट है क्लोनियज़म का क्लोनीलिज़म ये होता है कि एक लैंड है आप उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और उसको इन्फीरियर बना दे उनको अपना ग़ुलाम बना लेते हैं तो यही काम किया था वाइट्स ने कि अफ्रीकन्स के लैंड भी ले लिए उन पर कब्ज़ा भी कर लिया और उनको अपनी ही सरजमीन पर उनकी सरज़मीन पर जो है ग़ुलाम बना लिया और उनको इतना ज़्यादा मतलब ह्यूमैनिटी की इंसल्ट की तो आप कभी हिस्ट्री पढ़िएगा इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स देखेंगे कि आप कैसे उनको कितना मतलब ह्यूमिलिटेशन फ़ील करवाया जाता था और आप आ, इवन स्लोगन्स भी देखेंगे कि ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इस तरह से उनको जो है वो इंसल्ट फील करवाया जाता था जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर अब यहाँ पे क्या हुआ जब वो ओल्ड मैन को इस तरह से उसके साथ इस तरह से बिहेव करता है देन अपनी वाइफ के पास आता है और उसको बड़े मज़े से फ़न से सारी स्टोरी बता रहा होता है कि मैंने उसको इस तरह से मैंने उससे ये चीज़ बाय की है और मैंने ऐसे पैसे फेंग के और बड़े मज़ाक से और फन से तरीके में ना मतलब इंजॉयमेंट के थ्रू उसको बता रहा होता है अपनी वाइफ़ को कि मैंने तो ये काम करके आया हूँ और उसको वो लाइन जो है वो दे देता है मतलब वो समझता है कि मेरी बीवी जो है उसको ये चीज़ पसंद आई थी तो मैं उसके लिए बाय करके लाऊँ वो एक मुझे एडमायर करेगी बट उन अदर हैंड मैंने आपको बताया था कि उसकी जो वाइफ है शी वॉज़ फीलिंग सिंपथाइज फॉर द ब्लैक तो उसको ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं हुई कि मेरे हस्बैंड ने ये बड़ा अच्छा कारनामा कराया इवन उसे अपने अंदर गिल्ट फील हुआ अपने अंदर उससे मतलब सैडनेस फील हुई कि मैंने किस तरह के पर्सन से शादी कर ली है तो वो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर में डिप्रेस फील करने लग जाते कि इवन ही इज़ सूटेबल पर्सन फॉर मी और नॉट तो वो उसको ये चीज़ जो है ना बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती और वो सैड फील करने लग जाती कि मैंने मैंने अभी तो ये हमारा स्टार्ट था कि अभी तो हम लोग हनी मून पे आए हुए हैं मैं तो मैंने तो अभी इस पर्सन के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है तो ये पर्सन तो मेरे साथ मैच नहीं करता ये पर्सन जो एक इंसान को इज़्ज़त नहीं दे सकता उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता तो ये क्या मैं मैं कैसे इसके साथ पूरी लाइफ गुजारूंगी तो उस टाइम उसको फील होता है कि नो शी ही इज़ नॉट अ सूटेबल पर्सन फॉर मी तो उसके बाद क्या होता है वो मतलब वो, वो ले तो लेती है उससे लेकिन उसको कोई एडमायर नहीं करती और उसको साइड पर रख देती है और इवन उसकी तरफ दोबारा देखती भी नहीं है और विंडो से बाहर देखना शुरू हो जाती है तो यहाँ ये यह स्टोरी जो है यहीं पे एंड हो जाती है जहाँ पे वो मतलब एक एम्प्टी फीलिंग फील कर रही होती है उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता बिल्कुल कोल्ड हो चुकी होती है कि ये क्या मतलब एकदम उसके सामने लाइफ जो है उसटक हो जाती है कि मैं मेरा जो स्पॉज है उसके साथ मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँगी अब यहाँ पर सारा ये स्टोरी थी बहुत ही मज़े की थी और आ, काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड भी थी कि कैसे एक ब्लैक और वाइट को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर उनकी कितनी मिजरेबल लाइफ है और जो वाइट है वो कितनी आयाश पर कितनी लैविश लाइफ गुजारे हैं और उनके लिए कोई इमोशंस जो हैं उनके अंदर नहीं है और अपनी ड्रंकन लाइफ जो है उसमें मस्त है और ब्लैक पीपल जो हैं वो नंगे पाँव और उनकी जो सारी इमेजरी दिखाई हुई है वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है तो यहाँ पे जो ट्रेन जो था वो सिंबल था आ, किसका स्पेरियरिटी का आ, वाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था कि किस तरह से ट्रेन जो है वो चीखती चिंगाड़ती हुई आती है और सेम इज़ द केस विद द वाइट के वो भी इसी तरह चीखते चिंगाड़ते आए और उनके लैंड पे कब्जा कर लिया तो अब आई होप आपको इसमें कोई भी बिगटी नहीं होगी लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपना और अपने विरो का बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में